हेलो फ्रेंड, मैं रुचि और मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ वेज पोटली। इसमें ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही सिंपल डिश है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 1% एक कटोरी मैदा, आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। साथ ही 1 चम्मच फ्रेश ताज़ी दही, नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच तेल कोई भी हो जो आप खाने में यूज करते हैं। तो आप सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे जैसा गूंथ लेंगे। नॉर्मली जैसा हम पूड़ी के लिए लगाते हैं सेम ऐसा ही लगाना है। ये देखिए गूंथ गया है। अब इसमें थोड़ा सा तेल लगा के इसको और थोड़ा सा गूंथ लेंगे। इसके बाद 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। जब तक हम इसमें भरने के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, इसके लिए हमने एक पैन को गर्म कर लिया है। उसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच तेल, 1/4 चम्मच खड़ी सौंफ और जीरा। इसको चटकने के बाद ऐड करेंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। पकने के बाद ऐड करेंगे 1 कटोरी फ्रेश हरी ताज़ी मटर और इसको ढक के 2 मिनट के लिए पका लेंगे। मटर पकने के बाद हम इसमें बारीक कटी हुई 1 आलू ऐड कर देंगे और साथ ही ऐड करेंगे हम 1/2 कटोरी बारीक कटी हुई गाजर। गाजर ऑप्शनल में है, लेकिन गाजर से इसका थोड़ा और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इसमें सीजन के हिसाब से कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। इसमें साथ ही ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच पीसी धनिया, 1/4 चम्मच पीसी हल्दी, 1/4 चम्मच पिसा हुआ मिर्च। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। पाँच मिनट बाद ये देखिए आलू पक गई हैं। अब इसे पोटैटो मैशर से हल्का सा मैश कर लेंगे। ये देखिए मैश हो गया है। अब इसमें 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करके मिक्स कर लेंगे और ये हमारी सब्जियां पक के रेडी हैं। 10 मिनट हो गया है। स्टफिंग की प्रोसेस कंप्लीट करने में सिर्फ 10 मिनट ही लगता है। तो अब जब तक आटा भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा भी फूल के तैयार हो गया है। हम सारे आटे की इस 1 बराबर की लोई काट लेंगे। ये देखिए ये साइज बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको बेलने की 2 प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम लोई को इस साइज में पूरी जैसे बेल लेंगे। ये देखिए ये साइज ना तो ज़्यादा छोटा है और ना ज़्यादा बड़ा है। इसे ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। अब इसमें चारों तरफ तेल लगा लेंगे। ये हो गया। अब इसके ऊपर से हल्का सा सूखा मैदा लगा लेंगे। अब इसके साइड से हम इस तरह से मोड़ देंगे। फिर इसके ऊपर से दूसरा साइड भी मोड़ के बाद में ऊपर से हल्का सा तेल लगा के थोड़ा सा मैदा लगा देंगे। इसके बाद ऊपर का हिस्सा भी मोड़ के इस तरह से तैयार कर लेंगे। इसी प्रोसेस से सारी लोई तैयार करके रख लेंगे। ये देखिए सारे बन गए हैं। अब इसको भी चौकोर साइज में बेलना है, तो सेम इस तरह से इसको भी बेल लेंगे। अब इसके ऊपर 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग डाल के 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग डाल देंगे। हमने साथ ही 1 चम्मच मैदा का घोल बना कर रखा था, इसको भी चारों तरफ से लगा देंगे जिससे पोटली अच्छे से चिपक जाए और स्टफिंग बाहर ना निकले। अब इसके ऊपर से 2 हिस्सों को इस तरह से चिपका देंगे, ऐसे इसको साइड से चिपका देंगे। इसी तरह दूसरे साइड का भी और ये दोनों को पकड़ के ऐसे ये चिपका दिया। अब इनके ये जो कोने निकले हुए इनको भी एक साइड अच्छे से चिपका देंगे। इससे एक अच्छा सा शेप भी बन जाएगा और ये देखने में भी अच्छे लगेंगे। ये देखिए एक पोटली बनके तैयार हो गई। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। आप बना के पूरे रख लीजिए, फिर इसको एक साथ ही डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे सारे बनके तैयार हो गए हैं। अब इनको डीप फ्राई करने के लिए हमने एक साइड से
तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल भी हमारा गर्म हो गया है। पहले तो तेल को हाई फ्लेम में गर्म कर लेना है और फिर इसके बाद गैस के फ्लेम को लो करके इनको जैसे हम समोसे बनाते हैं उसी तरह लो फ्लेम में धीरे धीरे इनको फ्राई कर लेना है। इस तरह ऊपर से तेल ऐसे करते जाएंगे तो ऊपर का भी पकता जाएगा। ये देखिए एक साइड से पक गया है। ध्यान दें इनको सिर्फ लो फ्लेम में ही पकाना है वरना जो ऊपर की परत है वो तो पक जाएगी लेकिन अंदर कच्चा रह जाएगा। अब ये दोनों साइड से पक गए हैं और अब हम इनको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देश पोटली को आप कभी भी बना के फ्रिज पे रख सकते हैं और जब खाना हो तो गर्मा गर्म फ्राई करके इसको किसी भी हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए सबके साथ और लाइक ज़रूर करिएगा। एक तो इतना चटपटा मसाला और साथ ही पापड़ी जैसी एक एक परत अलग अलग दिखाई देती है। तो इसी तरह वेट करिए एक नए वीडियो के लिए। थैंक यू।